वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। चलते हैं तो केटू को चलते हैं, सुनते हैं कि रास्ता बहुत दुश्वार है, बड़ा ख़तरनाक है और जाना कोई इतना आसान नहीं है। अगर हम ही अपने लिए सोचते हैं और जब हमें बताया जाता है कि जी 17 दिन आपको लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में और वापस आने तक 20 दिन गुजर जाएंगे, तो एक झुरझुरी सी आ जाती है उस ठंड का सोच कर, उन दुशवार गुजार रास्तों का सोच कर, ऑक्सीजन लेवल कम का सोच कर, फिर वहाँ पर स्टैंड्स में उन खेमों में रहने का सोच कर, जो जो सोचते हैं तो बड़ी एक अजीब सी बात होती है। मगर इसी को तो कहते हैं एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब ये होता है कि जो जिसमें मशक्क़त होती है, जिसमें तकलीफ भी उठानी पड़ती है, मगर जो एंड रिजल्ट होता है वो अमेजिंग होता है और वही डिज़र्व करते हैं जो खुद सुपर अमेजिंग लोग होते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क की नौजवान लड़कियाँ, बल्कि कम उम्र लड़कियाँ जिनको हम कहते हैं, बड़ी बाहिम्मत हैं और वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, पूरे पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। तो ऑल गर्ल्स एक्सपेडिशन जा रहा है, कल से जा रहा है और हम उनको आज अपनी तरफ से गुड लक कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और हमारे साथ तशरीफ रखती हैं वो चार खूबसूरत लड़कियाँ, वो हमारे पाकिस्तान की बेटियाँ जो जा रही हैं कल मुहिम पर। तो मैं और आपके उनके दरमियान में भाईल नहीं रहूँगा, मैं वेलकम करता हूँ आप चारों को अपने शो में। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? Over to you. बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मायरा से शुरू करें। माशाल्लाह जी, चार हम ये कहेंगे बाहिम्मत लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मायरा मौजूद हैं, हमारे साथ ईशा मौजूद हैं, जहरा मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ साबिरा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी मायरा, अगर आपसे स्टार्ट करें, वन बाय वन सबसे पूछेंगे हम लोग, किस तरह से सिलेक्शन हुई, क्या कोई फिटनेस रिक्वायर्ड थी, कैसे शौक पैदा हुआ कि हाँ मैंने जी K2 बेस कैंप तक जाना है? तो बेसिकली मैं 10 साल से क्लाइंबिंग कर रही हूँ इन्हीं एडवेंचर क्लब के साथ। तो गर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो बस हमने सोचा कि क्योंकि प्लैटिनम जुबली पाकिस्तान के 75 ईयर्स, हमने कहा कुछ नया करते हैं, लड़कियां हैं, तो फिर हमने इसका प्लान किया और अब इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं अभी जाएंगे, तो बस दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों की। बिल्कुल जी, दुआएं भी आपके साथ हैं। ईशा, ये ऑल गर्ल्स एक्सपीडिशन का ख्याल कैसे आया आप लोगों को कि सिर्फ लड़कियां ही होनी चाहिए, किसी लड़के को हम नहीं लाएंगे, क्या क्या क्यों क्यों प्लान माइंड में ये क्यों आया सर? एक्चुअली पाकिस्तान में जो है वो ऐसे जितनी एथलेटिक्स में और इसमें फीमेल्स नहीं हैं, तो हम लोगों ने ये क्लब बनाया था जिसकी जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लड़के हैं तो लाइक लड़कों का होता है वो तो अपने कहीं ना कहीं से सोर्सेज लड़ा लड़ के वो चले जाते हैं, तो हम लोग काफ़ी देर से इस चीज़ को ढूंढ रहे थे और हम लोग चाह रहे थे कि लाइक अगर एक लड़कियों का ग्रुप जाए तो जो हमसे छोटी बच्चियां हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां हैं उनको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी। बिल्कुल, अच्छा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही होती हैं। हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन, बहुत सारे ऐसे आप देख लें, अगर एडवेंचर है, स्पोर्ट्स है या कुछ भी है, सो वहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट आ रही होती है, जिसके आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता और आपको किस तरह से अवेल कर सकते हो। सो अभी जो है, अभी आपके एडवेंचर के बारे में अगर हम बात करें, हम उन आप ज़ाहरा से कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मैं कह रहा था ऑल गर्ल्स। मैंने इसे कहा कि लेफ्ट आउट फील ना करें, वे 5 लड़कियाँ बैठ गई और हम उन नहीं, इस तरफ फेमिनिज्म वाला सीन नहीं है। मैं तो ऐसा सीन को मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हम तो उस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स में बता दिया गया। बल्कि मैं इस चीज़ को बड़ा खुश हुआ जब इमरान ताहिर भाई से मेरी बात हुई, और हम मस्ट अप्रिशिएट इमरान ताहिर भाई को, वो जो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और आप लोगों को वो ट्रेन भी करते हैं 10 साल से, आप प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपको देख के सोच रहा था कि आप अभी से लगता है बैठ के प्लान करिए कि पहले मैंने ये करना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये पीना है, और वो आप उसके बारे में कुछ सोच रही हैं ना, क्या सोच रही हैं आप K2 एक्सपीडिशन के हवाले से? नहीं, इस बारे में नहीं सोच रही मैं अभी, तो हमने आगे सोचना है कि हमने क्या प्लान करना है, इसके बाद का भी सोचना है हमने आगे, कि पहले हमने बेस कैंप तक जाना है, इसके बाद फिर आगे की प्लानिंग्स का भी सोचना है कि हमने आगे कहाँ तक जाना है। मेरा इरादा है कि सारी पीक्स को मैं सर करूँ, तो मेरा यही इरादा है आगे हम सारी जो गर्ल्स हैं हम सारी पीक्स सर करें, जितनी भी पाकिस्तान में हैं। पहले इतनी पीक्स हैं कि उम्र गुजर जाएगी सारी पीक्स को सर करने में, यू मीन टू से 8000 मीटर, 8000 से ऊपर की जो हाइट्स हैं, हाइट है उनको हम सर करें, ये हमारा जो है प्लान है। अच्छा, ये आपका प्लान है, सारे आपका क्या प्लान है? मेरा भी यही प्लान है कि हम पाकिस्तान में है तो ये 5 पीक्स जो है ये तो हम लोग सर कर ले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि पूछनी चाहिए, क्योंकि हमें ये होता है कि अगर हमारा नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक है तो खुदा की कुदरत ऐसी होती है कि जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, अगर आप डेजर्ट्स में चले जाते हैं, उनका जो बॉडी है
और उनके जो लंग्स होती हैं वो हमसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बेहतर हालत में होती हैं, तो वो कर सकते हैं, मगर मैदानी इलाके से जाए उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप चारों बता दें कि कहाँ कहाँ से आपका ताल्लुक है, किस किस शहर से, किस किस से। बेसिकली मैं तो इस्लामाबाद में ही रही हूँ सारी ज़िंदगी, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो चकवाल साइड, कलर का हार उधर है उस साइड। ठीक है, अच्छा जी। ईशा, आप लाहौर से? लाहौर से है। और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान, अरे वाह, जबरदस्त। हमारे पास अगर अमूमन कहा जाता था ना कि जिस तरह आपने भी बात की कि अगर आप तो पहाड़ी इलाके से हैं तो आपके अंदर वो होती है कि आप इतने स्ट्रांग हैं और उसके बाद आप जाकर किसी पीक को सर कर सकते हैं या आप कहीं और कोई एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद से हैं आप बेसिकली, आपका ब्रॉटअप यहाँ का है, लाहौर से हैं, इसके अलावा दो आप दोनों जीबी से हैं, तो हमारे पास एक बड़ा मिक्स सा ग्रुप है। अच्छा, कितनी कितनी बच्चियाँ जा रही हैं इस ग्रुप में, क्या प्लान हैं आप लोगों की, तैयारियाँ कैसी हैं? अभी तो फिलहाल 6 गर्ल्स का प्लान है, तो इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि और लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं, अगर और लड़कियां हो जाती हैं तो सारी जाएंगी। अच्छा, आपको पता है ये जो आपके सामने लड़की बैठी हुई है जो आपसे साल दो साल ही बड़ी है, ये ऑलरेडी K2 बेस कैंप कर चुकी हुई है। सुनने में आया था। अब देख लें, इन्होंने भी किया हुआ है। सॉरी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सो मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि आई थिंक कि इस एज में, और वैसे भी आप लोगों का बहुत, आप लोगों का बेस्ट डिसीजन है कि आप लोगों ने प्लान किया ये, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी का एक, जो आप कहते हैं ना कि एक मोटिव होता है, आपके आप देख रहे होते हैं कि ज़िंदगी कैसी है, तो वो बिल्कुल बदल जाता है, आपकी ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके, आपका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस आप जिस जर्नी पे जिस टाइम आप निकलते हैं, आई बिलीव आपके पहले स्कूली तक होगा, वो जीप का सफ़र है, वो जो जीप का सफ़र है, इट्स वेरी एडवेंचरस, मैं डेंजरस नहीं कहूँगी, मैं डरा नहीं रही, बट वो उसका एक अपना मज़ा है। फिर स्कूली से आगे आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज स्कूली बेसिकली इट्स लास्ट विलेज है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन उसके बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप बिल्कुल अपने ओन पे हैं और आप बस चलते जा रहे हो, उसके बाद सिर्फ चलना है, चलना है, चलना है और कुछ नहीं है। सो बेसिकली ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा थकेंगे भी वहाँ पे, आपको होगा पता नहीं कहाँ आ गए, फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे आपके पास, क्या करें, खाने को वो चीज़ें नहीं मिल रही जो कि वहाँ पर थी, पानी अगर एग्जैक्टली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को भी टैकल किया जा सकता है। आई बिलीव आप लोगों के साथ टूर गाइड्स भी होंगे जो आपको साथ साथ गाइड भी कर रहे होंगे, उनका होना बहुत ज़रूरी है। सो वो तैयारियां आप लोगों की पूरी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की? हम लोग एक्चुअली, मैं तो लाहौर से हूँ, तो वही वही वाली बात की बिल्कुल उस तरह का नहीं है, तो सर ताहिर इमरान के साथ ही मैं और एक और हमारी मेम्बर है, वो टीम की लीडर है, इकरा जिलानी। ठीक है, तो मैं और इकरा जिलानी हम दोनों पे उन सर ताहिर के साथ गए थे रत्ती गली उधर का ट्रैक करने, ताकि एक हाई एल्टीट्यूड पे हमें थोड़ा थोड़ा करके आप ट्रैक करें तो आपके थोड़ा फिजिकली आप उतने स्टेबल हो सकें, और उसके अलावा रोज़ सुबह एक्सरसाइज, शुरू शुरू में बिल्कुल, आई थिंक 1 month हो गया, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग वॉक से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा रनिंग, फिर फास्ट रनिंग, इस तरह स्टेमिना बिल्डअप, बेसिकली स्टेमिना बिल्डअप जो है वो अगर होगा तो उसके उससे हमें आसानी होगी। सही। ज़ारा, आप क्या करती हैं अपनी फिटनेस के लिए? आप तो कहा भी जब जीबी का नाम आता है तो कहते हैं अच्छा जी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और वो वैसे भी हमारे सामने बाकी भी दो लाहौर से इस्लामाबाद से बैठे, लेकिन अमूमन कहा जाता है ना आप अगर पहाड़ी इलाके से हैं तो आप हाई अल्टीट्यूड के आदि भी होते हैं ऑलरेडी, फिटनेस के लिए क्या करती हैं? फ़िटनेस के लिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, ताकि जो है ना क्लाइंबिंग के लिए फिर हम जाते हैं तो ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, पुशअप्स पुलअप्स। देख लेते हैं जो आप कर रही हैं, ज़रा आपकी पिक्चर्स भी हैं रोप्स के साथ आप बैठी हुई हैं, क्या बात है ज़बरदस्त। ये क्या विन किया आपने? ये एक कॉम्पिटिशन था हमारा, उसमें मेरी फर्स्ट पोजिशन आई थी। अच्छा, और उसमें कंपटीशन किस चीज़ का कंपटीशन था? रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का जी। अरे वाह जबरदस्त। और ये कौन, अरे वाह, अच्छा हम चारों मिले भी क्लाइंबिंग पर ही थे। अच्छा, ये कहाँ पे कर रहे थे आप रॉक क्लाइंबिंग? ये डिफरेंट जगह पे होता है, शादरा वैली में। अच्छा, मैं जब गया था नॉर्दर्न एरियाज में, तो मुझे जब खपलू गया था तो खपलू में देखकर मुझे भी ये होने लग पड़ा था कि यार यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग करनी है, वी आर ब्लेस्ड नेशन, हम बड़े ब्लेस्ड हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स,
पेरेंट्स के जो बाकी पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं मैं चाहूंगा वो भी सुने और बेटियों से कहें गो अहेड बेटा जाओ आपको फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली बेटा मैं साबरा से पूछना चाहिए साबरा फैमिली की सपोर्ट किस तरह से आपको भी मिल रही है कैसे परमिशन मिल रही है कितनी दूर जा रही हो इतने खतरे में जा रही हो बातें सुनने को मिल रही है परमिशन मिल रही है फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है ठीक है लेकिन बाकी साइड से कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह तो वो तो लोग करते हैं कि क्या करना है जाके टाइम वगैरह वेस्ट होता है लेकिन बाकी घर से सपोर्ट है। अच्छा इस पे मामा की ज्यादा सपोर्ट होती है कि पापा की ज्यादा सपोर्ट होती है? मामा की ज्यादा है। अच्छा नहीं हम तो कहते हैं ना पंजाब में जैसे चकवाल से रहने वाली हम तो पंजाब में कहते हैं शाबाश बेटा ठीक है ना तो हम तो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि मैनू तेरे ते बड़ा फखर है जा बेटा ठीक है तो इस तरह बंदे को बड़ी मोटिवेशन मिलती है जैसे ये वर्ड मोटिवेशन कह रही थी तहरीक तो आपको घर से मिलती है ना तो घर से क्या हुआ था ये तो नहीं अबू ने कहा क्या कर रही हो बेटा आप क्या कर रही हो बाबा परेशान तो नहीं हो गए थे? एक्चुअली मेरे पापा जो है पाकिस्तान की फर्स्ट रॉक क्लाइंबर है। अच्छा माशाल्लाह तो आई थिंक ये मेरे जीन्स में ही है तो वो मुझे घर से तो बिल्कुल नहीं पापा की तरफ से बहुत सपोर्ट है मम्मा की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि लाइक पापा ने किया है तो आप लोग भी इसी फील्ड में जाओ। वेरी गुड तो ये कौन कौन है जरा हमें बताएं ये मेरी बड़ी बहन है हाँ। अच्छा। और मैं हम स्कीइंग ये 2014 की है। अच्छा अच्छा ये हाउ टाइम फ्लाइज नलतर में स्कीइंग चैंपियनशिप होती है ना सही जबरदस्त और आपके तो बिल्कुल ईशा आपके तो फैमिली में है आपने आपने नहीं करना था तो फिर किसने करना फैमिली में एग्जैक्टली इज इट मारा यू नहीं ये ईशा ही है ये भी शादरा की है जबरदस्त एथलेटिक्स आप जा रहे हैं आप बताएं मैं बस क्या बताऊं आप फिटनेस का पेरेंट्स का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि इसके अलावा मैं फुटबॉलर भी हूं इंटरनेशनली नेशनली भी खेला हुआ है और इसके अलावा वो जीप रैलीज होती है उनमें फर्स्ट फीमेल नेविगेटर भी हूं मैं तो वो रेसर रेसिंग भी करती हूं तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूं कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वो आप रेसिंग भी करती हैं ये जो इतनी खूबसूरत गाड़ी है ये तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है मुझे भी बहुत आपके पास जी है। अच्छा माशाल्लाह लगते हैं तो आप इस टीम से ऐसी बातें पूछ रहे अच्छा जी अच्छा थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं क्या क्या ये कहाँ की है ये तो हम सर के साथ ही मरी गए थे उधर की है और ये क्लाइंबिंग की मेरी है क्लाइंबिंग में काफी पोजीशन जो है मैंने विन की ये मुझे लग रहा है काफी पुरानी भी है कितने साल की थी 2016, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम घर से बाहर निकल जाया करते थे तो हमारे पंजाब के जो लोकल खेल है वो खेलते थे मगर एक हसरत थी काश हम पहाड़ी इलाके में रहते तो एक्सप्लोर करते तो बचपन से ट्रैक्स करते थे आप बचपन से करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे लेकिन क्लाइंबिंग वगैरह मैंने यहाँ के स्टार्ट की है गिलगित में भी नहीं करती थी देर इस्लामाबाद जब शिफ्ट हुई तो सर ताहिर के साथ मैंने क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया और हाइकिंग पहले तो मैं हाइकिंग करती थी फिर वहाँ से मैं क्लाइंबिंग पे गई। अच्छा हाइकिंग और क्लाइंबिंग का जो ये आपकी पिक्चर्स हैं जी मागला जी Hmm. तो ये क्या स्टेमिना किस तरह से आहिस्ता से बिल्ड हुआ साबरा बाज़ोकात अब तो चलते चलते कहने लग जाते हैं लोग हम थक गए इससे आगे कैसे जाएं क्या करें तो ये पॉइंट भी आया था किस तरह से स्टार्ट किस तरह से किया था स्टेमिना किस तरह से बिल्ड किया अपना स्टार्ट चलते मतलब ये पिक्चर दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग ऐसे ही बिल्ड किया था मैंने तो बचा चल गया जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी यहाँ मैंने एक हाइकिंग के लिए एक ग्रुप ज्वाइन किया था ठीक है ट्रेल ऑफ मार्गला के नाम से तो उनके साथ मैं हाइकिंग करती थी तो उन लोगों ने मुझे बहुत इनकर्ज किया कि आप क्लाइंबिंग कर ले तो इस तरह मैंने एक क्लब ज्वाइन किया और क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये जो क्लाइंबिंग के लिए आपकी जो फिंगर्स हैं आपके जो हैंड्स हैं और आपके जो फोर आर्म्स हैं उसको स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है ना जी। तो मगर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम वर्क बड़ी होती है जब आप लोग जा रहे हैं एज अ टीम वर्क के किसी एक का मोरल डाउन हो जाता है जैसे ये मोटिवेशन का वर्ड बन फिर दूसरा उसको बैकअप करता है अंदर से बेचारे का अपना भी बुरा हाल होता है मगर वो उसको रास्ते दिखा रहा होता है तो क्या आपको कुछ फिजिकल के साथ कुछ मेंटल ट्रेनिंग भी की जा रही है कुछ बताया जाता है कि कैसे ओवरकम करना है क्लासेस होती हैं लाइक आपने और थोड़ी लाइक आपने अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होगी है उस पर बताना है कि कैसे रिएक्ट जैसे लड़कियाँ लाइक बहस होगी है कुछ भी ऊपर जाके लाइक
वो आपके मेंटली वो तो लाइक कैसे टैकल करना है, आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ कि आप कितनी हाइट पर हो और एंड ऑल दैट, क्या आपने फिर उस पे भी मतलब कि अगर आप इसका जाहिर सी बात है कोई मेडिसिन जो है वो यूज़ नहीं हो सकती इस चीज़ के लिए, फिर मतलब सारी वो बात कि आपने नीचे फिर आना है, थोड़ा नीचे आना है ताकि आप थोड़ा अपने मैं थोड़ा आसान कर दूँ ना आपके लिए ना जो आप कहना चाह रही हैं। हमारी एक दोस्त गई थी ना जब वहाँ पे, तो वो उनको हंसी का दौरा पड़ गया हाई एल्टीट्यूड पे, वो हर वक्त हंसती रहती थी और कभी कभी ये बेटर है लड़ाई से बेटर है ये वाला नहीं लड़ाई वैसे बहुत मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आप लोगों हम लड़ेंगे नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे शुक्र है तक लड़े वो जाता है वो जाता है एक्चुअली हमारा आई थिंक ट्रिप था तभी दोस्तों का ही था, मगर हम लोग ये बाटा कुंडी और निरान का गान से थोड़ा ऊपर ही गए थे तो लाइक छोटी सी बात पे इस तरह, तो फिर वो सब लाइक तब पापा भी साथ थे, आप लोगों को हाइट लग गई है नहीं यहाँ पर ना आपको टीम वर्क बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से चल रहे होते हैं साथ मिलके, तो अपने माइंड में पहले से अगर आप ये बातें लाना शुरू करेंगे ना कि अच्छा इससे लड़ाई होगी और वो फिर रीजंस खुद ब खुद एक्सक्यूजेस बनते रहते हैं और नहीं भी लड़ना होगा ना तो सब जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर अगर आपने वहाँ पर वैसे आपकी लड़ाई नहीं होगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ वहाँ पर जिसको नहीं भी जानते ना उसको भी दिल करेगा दोस्त बना लें किसी तरीके से। मकड़ा पीक तो अब हम दोस्त गए तो यही हुआ, हम छोटे थे आपकी एज ग्रुप में होंगे 14-15 के, जब हम मकड़ा पीक वहाँ पे गए तो वहाँ पर हमारे साथ भी है हाल्टीट्यूड, जब आया तो हम एक दूसरे के तुम मकड़ा हो तो वो मकड़ा पीक की जगह हमने एक दूसरे को मकड़ा कहना शुरू कर दिया और छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू किया। अच्छा वो मैं पूछ रहा था कि यानी कि आपको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा फिर एक और चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी है और वो भी आपको ज्वाइन करे आपके साथ जाए, तो उसके लिए आपने बताया ट्रेनिंग तो अपनी जगह होगी है, फिर कौन कौन सा इक्विपमेंट है वो कहाँ कहाँ से मिलता है जो आपने साथ लेकर जानी है, चीज़ें जो आपने साथ लेकर जानी है? हमारा इसमें क्या है कि हमारे शूज़ ग्लव्स और वो लाइक इस तरह के होता है कि लाइक जैसे अभी मुझे इस चीज़ का नहीं पता था बट रिसेंटली कि आपने न्यू जो है वो शूज़ नहीं लेने आपने, अब क्या है कि उन्हीं शूज़ को पहन के मैं वॉक करती हूँ रनिंग करती हूँ, कि जो बिल्कुल ओल्ड शूज़ है आप जो आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करें क्योंकि इससे इस इतनी हाइट पर जाके आपके पैर फूलते भी फूलते हैं और फ्रॉस्ट पाइट वगैरह ये सब कुछ, और उसके अलावा ये है कि स्लीपिंग बैग्स कैंप्स वगैरह और स्किन केयर जैसे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ग्लासेस सनग्लासेस यूवी रेस से बचने के लिए स्पेशली एग्जैक्टली ग्लासेस और वो थोड़ी डिफरेंट जैसे होती है लाइक ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। मैं चाहूंगी ज़ारा ज़रा हमें इन चीजों को एक्सप्लेन करके बताएं क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें हमें स्लीपिंग बैग चाहिए होता है, रक्सेक चाहिए होता है, और जो है ट्राउजर्स हैं जो कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी, फ्लीस केप है, हेलमेट है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लीस जैकेट है, ये सारी चीजें चाहिए और इनको भी यूज करने का तरीका है, जैसे थर्मल सूट्स हैं आप जब ट्रैक कर रहे होते हो तो स्वेटिंग हो रही होती है तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बैठ जाते हैं ट्रैक करते करते और वो फिर बहुत आपके लंग्स को बहुत अफेक्ट करती है आपको, तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब आप ट्रैक कर रहे हो तो अगर आपने सांस लेना तो सिर्फ खड़े होकर आप सांस लो और फिर जब आप और वो भी लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद आप अपना ट्रैक कंप्लीट करो, और जब आप अपने कैंप पे जाके बैठते हो तब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज अपना जो थर्मल सूट है वो आप चेंज करो, जैसे अपनी सॉक्स वगैरह फॉर एग्जांपल मैं स्कीइंग पे जाती थी नल तक तो वहाँ पे लाइक ये सिखाया जाता था कि बार बार अपनी सॉक्स जो है वो चेंज करें क्योंकि वो आपके पाँव के लिए बहुत बेटर होता है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, आपकी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए साथ साथ भी, और जैसे आपने बताया कि सर्दी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है तो उसमें तो 5-10 लेयर्स भी बहुत कम आपको किसी को कुछ डराना भी नहीं चाह रही बिकॉज इनके हौसले ऑलरेडी और ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी है कि दे ऑलरेडी नो के क्या चीज़ किस तरह से किस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ज़ारा अपने बारे में अगर थोड़ा सा हमें बताएं क्या क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा एडवेंचरस अभी तक आपने कोई एक्टिविटी की है तो वो कौन सी होगी? क्लाइंबिंग में ही मैंने 2021 में मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, उसके बाद टॉप रोप क्लाइंबिंग हम करते हैं वैसे तो ठीक है, फिर मैंने इसी साल जो है ना लीड क्लाइंब स्टार्ट की, तो जब मैं फर्स्ट टाइम लीड कर रही थी तो मैं एक स्टेप ऊपर गई हूँ तो तब कोई सेफ्टी नहीं होती, हमें खुद को सेव करना होता है क्विक ड्रॉस लगा के, तो तब तक मुझे एक डर था मेरे अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो
मैंने फर्स्ट टाइम जो लीड क्लाइम की थी, सबसे ज्यादा डर मुझे तब लगा था। अच्छा, सारा क्योंकि आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है जो रोप पे कि मैं अगर पीछे गिरूंगी तो कोई सारे साथ होते हैं। अच्छा, वैसे सुना है कि आप आर्किटेक्ट भी हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूं आर्किटेक्ट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर आपका, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप चार तो हैं मगर आपने कहा कि आप छह हैं, तो बाकी जो आपकी दो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? एक डॉक्टर है, बाकी जो है इकरा जिलानी का मैंने आपको बताया, वो आई थिंक सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, वो सबसे ओल्डेस्ट है और अभी वो कहीं गई भी है तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सकती। आप उनकी पिक्चर साथ आई है? लाए थे, लाए थे। हम जाएंगे और ये देखें इकरा जिलानी। अच्छा जी, ये कौन है? हमारे ट्रैकिंग लीडर है, ये इकरा जिलानी है, ये क्लब की सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है और इन्होंने जो था वो विन किया था। सही, सो अभी ये आपके ग्रुप को जो है लीड कर रही है, ठीक है, इकरा कर रही है। आप में से किसी ने की है राफ्टिंग? जी, नूरान खान में। मैंने तो इस वीकेंड पे भी करनी थी, बारिश आ गया फिर हम मुश्कुरी चले गए थे ना। अच्छा, स्कीइंग के हवाले से जब हम आई डिड फर्स्ट टाइम स्कीइंग मालम जबा पे हमने की थी, तो मुझे वहाँ पर जो लोकल बच्चे देखकर बड़ी खुशी हुई थी, जैसे वो उन्होंने वुड्स की बनाई हुई थी, उन्होंने अपने इतना पैशन होता है करने का कि वो वुड से अपनी जो है वो स्कीज बनाते हैं, स्टिक्स बनाते हैं। और इवन कि हम लोग, जैसे मैं तो लाहौर से जाती हूँ, मालम जबानी में गई पर मैं, क्योंकि लड़कियों का जो मोस्टली चैंपियनशिप है नेशनल, सादिया खान चैंपियनशिप, वो नल्तन में होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इवन के वो इसको इतना फन में लेते हैं कि जाहिर सी बात है वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो कैंस लेके जाते हैं उसके ऊपर, हिल के ऊपर लेके जाते हैं और वहां से उसको भर के लाते हैं, उसके ऊपर बैठ के नीचे आ रहे होते हैं। मतलब उनको डर नहीं लगता हमें, जबकि हमारे स्कीज होती हैं, स्टिक होती है हमें, और हम तब तक ऊपर नहीं जाते जब तक कि हमें ब्रेक्स ना लगानी है, और तब तक वाकई ऊपर नहीं गए हम लोग। मगर वो बच्चे हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है और वो इतने मजे से, और उनको पता है कि कैन से भी उन्होंने कैसे जो है वो ब्रेक्स लगानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि थोड़ी सी खतरनाक भी है ये चीज़। मायरा, हम हमेशा बात करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हम साथ में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कि अपना ख्याल आपने किस तरह से रखना है। इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहोगी हमारे जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं, कि उनको एडवेंचर बहुत पसंद है, सो किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए अपने माइंड में? पहले तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपनी लाइफ में हर चीज़ का। जैसे मैं खुद बहुत डेयरिंग हूँ क्योंकि मैं ऐसा काम करती हूँ जीप रैलीज में, तो उसमें भी कुछ भी है कि गाड़ी उलट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो मतलब मुझे तो है शौक के, मैं सबको यही कहना चाहूँगी लड़कियों को भी कि थोड़ी बोल्ड बने और घरों से निकलें बाहर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल नेविगेटर हूँ ये जीप रैलीज़ की, और फुटबॉल भी खेलती हूँ और सारा कुछ करती हूँ, तो बस मैं लड़कियों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो निकलें और लें एक्सपीरियंस, और जैसे K2 है, क्लाइंबिंग है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स हैं, किसी भी चीज़ में है, तो वो निकलें जाएँ। पेरेंट्स भी उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वंडरफुल, बिल्कुल ऐसा ही, क्या प्यारा सा मैसेज दिया है। बाकी जितने भी लड़कियां लड़के अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अभी हमें इस चीज़ को करना चाहिए, तो बस कर गुजरें, सोचें नहीं, ये मत देखें कोई क्या कह रहा है, कोई नहीं कह रहा, लेकिन एहतियात साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आप चारों से बातचीत करके, दो मेंबर्स आप थी, हमने उनको पिक्चर्स के थ्रू तो उनसे मुलाकात कर ली, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआएँ हमारी आप लोगों के साथ हैं। आप लोग 4 अगस्त को प्रॉब्ली आप ट्रेवल कर रहे हैं अभी यहाँ से, सो आई होप कि लड़ाइयाँ बिल्कुल भी ना हों और अच्छे से आप लोगों का टाइम, अच्छी अच्छी मेमोरीज आप लोग कलेक्ट करके लाएं, और राइजिंग पाकिस्तान में जब आप ये एक्सपेडिशन करके आएँ, तो हम आपसे आपके पिक्चर्स देख रही हूँ, आप लोगों के जो आपने जो मोमेंट्स इन्जॉय किए हैं, हम उनको यहाँ पर जो है वो इन्जॉय कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच मायरा, ईशा, जहरा एंड सबिला, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। मेरी तरफ से आपके लिए गुड लक, और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप जाएं तो वहां से हमें पिक्चर्स भेजते रह करें, राइन से पाकिस्तान हम दिखाते रहेंगे कि ये हैं हमारी बेटियां और हम पिक्चर्स शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। राइजिंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है जहां पर हम आपके साथ टैलेंट भी लेकर आते हैं, करियर काउंसलिंग भी लेकर आते हैं, इंटरटेनमेंट भी, और बच्चों के लिए भी इंटरटेनमेंट भी लेकर आते हैं, और यकीन जानिए खुद भी हमारे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आई एम वेरी हैप्पी
कि इन बेटियों को देखकर कम से कम मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ हूँ, तो मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगा लाइक मारा सेट के अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिएगा, घर से ही कॉन्फिडेंस शुरू होता है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे मैं और सबीन, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम, अल्लाह हाफिज़।